फोटोग्राफर स्टार्ट करना भूल गए, क्योंकि जब तैयार होते हैं ना तो सबसे पहले फ़ोटो खींचने की पड़ती है, तो भाई फोटो खींच लो और रील्स बना लो, उसकी सबसे ज़्यादा पड़ती है। और दीक्षा तो भैया सबसे शर्म के मारे वीडियो में आने का मन ना करता, और आधा है तो फिर जाने का मन ना करता उसे, ऐसे लग रही हमारी सीखा अच्छी लग रही है ना, करके ना ही तभी तो अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है। हाँ फिलहाल हम जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, और टाइम अभी यही को 11:30 बज रहा होगा सुबह के, लेकिन लेट हो गए। हाँ लेट हो गए, और वैसे तो मना कर देते हैं, पहले हाँ कर देते हैं बाद में मना, इनका ये ड्रामा होता है मेरे साथ। तो ये जितनी धीरे तू बोल रही ना उतनी आवाज़ भी जा रही होगी। हमारे घर बाद में आएंगे, पहले घूमने चलेंगे उसके बाद घर चलेंगे। हाँ घर जाएंगे, सब लोग आए हैं, मैं नकुल केशव और जितने हम लोग थे वो सब लोग आए हैं। अब ये मत समझना कि पूरा घर चला आया, हम अपनी थार में आए हैं, खाई में आए हैं, लेकिन लेट हो गई, धूप काफ़ी हो गई है, लेट हो गया। ओह प्रणाम। अच्छा कोई यार जीता मैं पूछ रहा, यहाँ पर ना मेट्रो का काम चल रहा है अभी, और ये पता नहीं कब तक कितने साल तक चलेगा ये भी ना पता भी। पता नहीं क्यों उदास हो गई बेचारी को, मुझसे जुदा होने का उदास हो गई है, अब मन नहीं कर रहा इससे मुझसे दूर जाने का। देखो तो लो जी पहुंच चुके हैं हम अपनी जगह पे जहाँ पे हमने घूमने आना था, और ये यहाँ पर जो है न्यू बना है और काफ़ी अच्छा भी है, और इस पार्क का नाम है आगरा चौपाटी जोनल पार्क आगरा विकास प्राधिकरण। तो चलिए फिर अंदर ले चलते हैं, आपको पूरा घुमाएंगे कि आप अंदर क्या क्या न्यू बना है। और यहाँ पे मिलता है टिकट जो कि 20 रुपये टिकट है, चाहे छोटे हो या बड़े हो सबके 20 रुपये ही लगेगी। अरे नहीं खाने ले जाओ, ले जाओ। तो नहीं खाएंगे तो ना, तो बच्चे लेकर आए हैं। पागल पानी की इतनी देर प्यास लगेगी। हम आ गए हैं चौपाटी, और ये यहाँ पर नया खुला है, और काफ़ी दिन हो गए वैसे तो खुले हुए से, और इतनी धूप है ना, कहीं घूमने का प्लान बन जाए चाहे भले ही धूप हो फिर तो भाई चल दो, और अगर कहीं काम के लिए जाएंगे ना तो धूप हो रही भाई, जाया नहीं जा रहा फिर तो, अपने काम के लिए तो कहीं भी चल देंगे मौज मस्ती करने के लिए, है ना। हाँ तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी हम लड़कियाँ होती हैं ऐसी, और तो क्या करा जाए, और किसी का तो पता नहीं, मुझे अपना पता है भाई, अपने काम के लिए ना तो गर्मी लगने वाली है ना ठंड लगने वाली है और ना धूप लगने वाली है। दीक्षा है ना, हाँ हाँ अब तो हाई लो तो हो गई, तो अच्छा देखूंगी आप। वैसे तो यहाँ पता बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं फोटो खींचने के लिए, वो पार्टी एरिया। और अंदर एंट्री हो चुकी है, और यहाँ पे जो है म्यूजिक चल रहा था तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर की है। तो देखिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, और गर्मी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था क्योंकि हर जगह कूलर लगे हुए थे, और अंदर था रेस्टोरेंट इस तरीके का। तो मेरे हिसाब से देखो हमने तो कुछ खाया नहीं था यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी महंगा था, काफ़ी महंगा लगा मुझे, हर चीज़ महंगी लग रही थी, क्योंकि हमें पता है बाहर कितने की मिलती है ये, तो उस हिसाब से हमारे लिए महंगा हुआ। और वैसे भी हम पैक करके लाए थे अपना खाना, तो हम खाएंगे बाद में, अभी बस घूमना है। और जो मतलब फ़ोटो रील्स वगैरह बनाता है उनके लिए काफ़ी बेस्ट जगह है ये, और मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आकर के। और पैसे वसूल हो गए हमारे टिकट जो 20 रुपये थी वो, और ये ना बाहर का एरिया था यानी कि पार्क का, सबसे पहले हम यहीं पर आकर बैठे थे, तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। यहाँ पर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ बनाई, सॉरी खींची, रील्स बनाई यहाँ पर, और देखने वाली चीज़ भी है भाई, दिखाने वाली चीज़ भी है ये, तो पूरा लकड़ी का बना हुआ था ये, और
मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी धूप थी ना तो थोड़ा ऐसा लग रहा था बाहर के साइड। मुझे पता है जब शाम हो जाएगी ना तो भीड़ बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। और यहाँ पे देखिए दिल टाइप में कुछ बना था, वो भी लकड़ी का था, तो हमने फ़ोटोज़ खींची थी। तो अब हम निकल गए हैं बाहर और चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें करीब 2 घंटे हो गए थे अंदर बैठे हुए। तो अब हम यहाँ पे खाना खाएंगे अपनी गाड़ी के अंदर ही। चलो भाई अब खाना खा के अपने घर के लिए निकलते हैं रामबाग सीधा। वैसे जनरल पार्क भी जाते हैं लेकिन कैंसिल हो गया। बैठ जा, खींच गए। चलो भाई, चलो ड्राइवर ड्राइवर साहब। कैसे लगा? मजा आया, बहुत अच्छी जगह है। बहुत हम फर्स्ट टाइम आए हैं इस पे चौपाटी चौपाटी जोनल पार्क। हाँ काफी अच्छा है, घूमने लायक जगह है। हाँ ठीक है, और हाँ ठीक है, ही रोक लो। ठीक है ये सही है, सीरक में थोड़ा बहुत भूख लगी, खाना खा पी ले। लेकर आए साथ में। बाहर का तो खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं बाहर का नहीं, अपना घर का लाया हुआ बाहर खाने का मजा कुछ और है ना। सही बोले हो, सही बोले ना। हम भाई जिस गाड़ी में आए थे क्या हो गया? पंचर हो गई, टायर पंचर हो गए। हाँ टायर पंचर हो गया तो सही होने गई है गाड़ी, अचानक हो गई खड़े खड़े। बताओ मम्मी। हाँ हम खा रहे हैं। अच्छा पापा टक्कर लगा रहे हैं। और हमारी फैशन जो थी आ गए अपनी औकात पे आ गए भाई, गर्मी लगने लग गई थी अब तो। ये भी आ गई तो आ हाँ, वो तो ठीक है, वो तो जैसी आई थी वैसी ही थी वो तो। हम दोनों का निकल गया सारा, है ना। थोड़ी देर अंदर तो अच्छा लग रहा था, वहाँ पे कूलर भी चल रहे थे, एसी भी चल रही थी। एसी मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही। मतलब फेंकने में क्या जा रहा है, किसी को क्या पता चल रहा है एसी चलने। कूलर तो चल रहे थे पर चल रहे थे और अच्छा लग रहा था अंदर, ठंडा भी बहुत है। लग नहीं रहा था कितनी धूप थी अंदर, फील लग रहा था अंदर, बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आना, घूम कर जाना सब लोग। जब कोई भी अगर आगरा आ जाए ताजमहल देखने तो यहाँ पे चौपाटी जरूर आना, घूमने वाली जगह है। और टिकट 20 रुपए की है, छोटे हो या बड़े हो सबकी 20 रुपए टिकट है भाई। हमारी भी लग गई 5 जने की, 100 रुपए चले। हाँ तेरी नहीं लगी, बस केशु की नहीं लगी क्योंकि ये 5 साल का है अभी, 5 साल के ऊपर के बच्चे की लग रही है। पूरे 15-20 मिनट बाद गाड़ी सही होकर आई है ना। अब हम जा रहे हैं बैठ गए। उससे पहले तो हमारी बहुत सारी फोटो बहुत सारी रील्स बना ली हमने यहाँ पर, पता है यहाँ भी पैसे वसूल कर लिए अपने टिकट के। क्या करते पे खड़े तो थे। हाँ तो बस चल रही है रामबाग के लिए, इसके घर को इस पे इसको घर छोड़ने के लिए। वो गंगे जब तक गंगे जब तक यही मंडरा रहा है, इनको जावे का मन ना कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं मैं घर पे पहुंचने के बाद, ठीक है। पहले इसको घर पटक दे, उसके बाद फिर वहीं जाके मिलते हैं और देखते हैं इनकी मम्मी क्या क्या हमें भोग सुनाने वाली है, बढ़िया बढ़िया वाले, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला हमने काम किया था कल। और मैंने आप सबसे बोला था कि रामबाग जाके आप सबसे बातें करूँगी, लेकिन अपनी बातों के आगे मैं भूल गई वीडियो शूट करना। और ये है लाल किला, तो और यहाँ से ना ताजमहल भी दिखता है। मैं जा रही हूँ अभी अपने घर के लिए ताजगंज के लिए, और रामबाग और ताजगंज ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर में, मतलब पास ही पास है, ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है। और यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है, तो मैंने कहा आप सबको भी थोड़ा सा दिखाई देते, थोड़ी झलक। किस किस ने ताजमहल देखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो ज़्यादा नहीं, 1-2 बार ही देखा है, 2 बार देखा है, मुझे ज़्यादा खास नहीं लगता। हाँ लेकिन जिसने ताजमहल नहीं देखा उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास हो गया ना ये। वही बात है, जब तक हम कोई चीज़ देखते नहीं है ना तो हमें बहुत अच्छी लगती है वो चीज़ें। आप लोग कहोगे कि घर जाने की बात हुई थी कि मतलब रामबाग पहुँच जाऊँगी जब बात करूँगी, वहाँ पे बात ही नहीं हो पाई क्योंकि फ़ोन में बैटरी नहीं थी बिल्कुल। इतनी सारी फ़ोटो रील्स बनाई थी तो बैटरी सारी ख़त्म, और फ़ोन लगा दे चार्ज पे और बातों के आगे दिखा ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे मतलब वीडियो शूट भी करना था वहाँ का। मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा आराम किया मैंने, 1-2 बर्तन थे वो साफ़ किए, और अब मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि आज की है हमारी दावत, वहीं जा रहे हैं खाने। और टाइम अभी 8 बज रहे हैं रात के, तो वहाँ से आने के बाद मुझे पता है कि वीडियो एंड नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना थक जाते हैं ना, फिर सोने की पड़ेगी बस के कपड़े चेंज करें, कपड़े चेंज करके सो जाओ फिर। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपका ब्लॉग। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते थे, फिर मिलते अपने एक नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।